नमस्कार दोस्तों, आजकल मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं सवालों का सोमवार। हर मंडे को हम लोग आपका एक सवाल लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली मंदार ने एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा, क्या बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र होती है? नहीं दोस्त, कोई उम्र नहीं होती। अगर हम लोग देखते हैं डेल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनियों की शुरुआत उन फाउंडर्स के बहुत अर्ली एज में हुई थी, 18 से 20 साल के बीच में। कुछ कंपनियों की शुरुआत जैसे सिस्को, अमेजॉन, यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड ने भी अपनी कंपनी अपने मिड एज में शुरू की थी। और कुछ कंपनियां जैसे कावासाकी हो गई, बैंक ऑफ अमेरिका, ये ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पर शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, नटशेल में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं है। जिस दिन आपको लगता है कि आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, उस दिन आप बिजनेस शुरू करने की सोच लीजिए और ठान लीजिए। लेकिन जब भी आपको बिजनेस शुरू करना हो तो कुछ बातों का उस बिजनेस शुरू करने से पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहली बात आएगी मैच्योरिटी। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो या जब भी आप कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जब होता है तो उसे बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और जब आप बहुत सारे लोगों से डील करते हो तो उसमें आपके इमोशंस के साथ भी आप डील करते हो, इसलिए आपको एक बहुत बढ़िया मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी कौन से एज में आएगी ये कोई नहीं बता सकता। हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी की कमी उनमें हमेशा होती है। तो दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि जब अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपके इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना होगा और आपको एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह ही आपको चीजों को समझना होगा, बिहेव करना होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो उस बिजनेस का एक बेसिक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो आपके पास जरूर होना चाहिए। आपको कोई रेस्टोरेंट शुरू करना है, आपको कोई ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करना है, आप किसी नई चीज को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या कोई नई सर्विसेज कंपनी शुरू करना चाहते हो, तो उसका 3 से 6 महीने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखिए, जिससे जब भी आप बिजनेस शुरू करें उसमें शुरुआती दौर में जो गलतियां होती है वो गलतियां ना हो और आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही भारी लॉसेस ना उठाने पड़े। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि रिसोर्सेज का प्लानिंग। जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस के रिसोर्सेस और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो जो भी चीजें लगने वाली है, उस बिजनेस को पैसा लगेगा, स्किल सेट लगेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का मैन पावर लगेगा, मशीनरी लग सकती है, कोई अच्छी जगह लग सकती है, इन सारी चीजों को आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन सारी गुत्थियों को एक जगह पर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू कीजिए। नहीं तो आपके पास जगह है और आपने बंदा हायर कर लिया, जगह का भाड़ा भी शुरू हो जाएगा और बंदे का पगार भी शुरू हो जाएगा और आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस में रेवेन्यू तभी आएगा कि ये सारी चीजों को आप एक सिरे में जब बांधोगे, उससे कुछ नई चीज क्रिएट करोगे, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में बेचोगे और उसके बाद उसकी रेवेन्यू आएगी, तब जा करके आपका बिजनेस शुरू होगा। तो दोस्तों, बिजनेस शुरू करने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए। वैसे तो कोई भी चीज करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आपके दिल में वो जज्बा चाहिए उस चीज को करने का। तो इसलिए दोस्तों, वो आपकी उम्र को बिल्कुल मत देखिए, लेकिन देखिए जरूर कि आपके पास में बिजनेस शुरू करने के लिए जो बेसिक चीजें है वो है या नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग आज से यह एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि सवालों का सोमवार। हर सोमवार को हम लोग एक सवाल आप लोगों का लेकर के आएंगे और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको भी क्या लगता है कि बिजनेस को शुरू करने से पहले उम्र को देखना चाहिए या आपके स्किल सेट को, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी उम्र को देख करके ये सोच रहे कि ये उम्र नहीं है मुझे बिजनेस शुरू करने की, ये उम्र नहीं है मुझे नया कुछ सीखने की, ये उम्र नहीं है कि जहाँ पर मैं नया कुछ कर पाऊँ। तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, जिससे हमें भी इस सवालों के सोमवार को करने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।